सबसे पहले तो हमारा प्रदर्शन करना चाहूँगा, आई होप सारे लोग जो है उनको समझते हैं अच्छे पहले मिशन हुआ उसका हिंदी अनुवाद हो रहा है, उसके लिए कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में आपके सामने कुछ अपने विचार रखूँ। सबसे पहले तो मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर दिया गया है कि मैं आप लोगों से बातचीत करूँ और मुख्य स्टेशन ऊपर मेरा काफ़ी संपर्क रहा है, 40 वर्षों से यह अवसर के द्वारा संपर्क रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लीगल एड को जेल रिफॉर्म में या जेल की जो प्रशिक्षण प्रोग्राम है उसका एक अंश मानता हूँ, लेकिन अंश मात्र मानता हूँ। बहुत सी चीज़ें जो है जेल में हो रही हैं और जिसमें कि सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। मैं यहाँ सच्चे में ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो मिस्टर गोंसाल्वेस ने कहा कि सिस्टम बहुत बड़ा है, 1400 दे रहे हैं और उसमें तकरीबन 3 लाख बंदी एक दिन वहाँ पर होते हैं, जिसमें से दो तिहाई या उससे थोड़े से कम जो है वो कौन अंडर कार्ड जिनके मामले में विचाराधीन है, और उनमें से बहुत से प्रांतों के अंदर ये देखा गया है कि लोग बंद हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरह अपराध में, और कुछ एक किस्म में चुप केसेस सामने आए हैं जहाँ पर कि जिस अपराध में उनको बंद किया गया है, जिस अपराध के इल्जाम में उनको बंद किया गया है उसमें जो सजा है वो उनके जेल में रहने की सजा से कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जेल के अंदर जैसा कि पहले कहा गया कि एक रॉटेन सिस्टम, उसका मूल कारण है ये कि जेल जो है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में कहीं पर आती नहीं। आप फाइवर प्लान को देख लीजिए, जिस वक्त जो है वो आगवा प्लान चल रहा है, लेकिन जेल सुधार के लाभ से तान बजट कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो करेंट आउटले में जाता है। शायद कारण ये है कि जेल के अंदर आपको सुधार कार्यक्रम लगाए तो उसका लाभ बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होता, पॉलिटिशियन को उसका लाभ नहीं होता। अगर पॉलिटिशियन गांव में एक छोटी भुजिया भी बनवा दे तो उसका असर जो वोट के ऊपर पड़ेगा, गांव के लोग जो वोट दे रहे हैं उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन जेल के अंदर जो अगर कार्यक्रम चले तो उसका अब मैं कहूँगा कि मैंने पूरे देश के अंदर जो जेलें हैं उनमें काफ़ी जेलों को देख रखा है, चाहे सेंट्रल जेल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट जेल हो, सबको काम अच्छे हो रहे हैं। बिहार जेल में काम अच्छा हो रहा है, मदुराई जेल में काम अच्छा हो रहा है, अहमदाबाद साबरमती जेल में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन ये छुटपुट उदाहरण है। पूरे 28 प्रांतों के अंदर 28 प्रदेशों के अंदर 7 यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या काम हो रहा है उसमें इसकी बड़ी सख्त गुंजाइश है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले लीगल एड तो होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो जेल की दूसरी समस्याएं हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, वरना डर इस बात का है कि एक अच्छा काम जो है वो खराब रास्ते पे चल रहा है। अब जैसे कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसमें भी लिखा हुआ है ओवर क्राउडिंग की समस्या, आज के टाइम पर भी सेंट्रल जेल्स में सबसे ज्यादा ओवर क्राउडिंग डिस्ट्रिक्ट जेल्स में, करीब जो है वो 127 लोग वहाँ पर जेलों में रह रहे हैं, और एक जेल के अंदर मैंने ये देखा कि जो मिशनरी तखत दिए जाते हैं ईट जो और डाले के बने हुए तखत होते हैं उसके ऊपर बंदी लोग सुनते हैं, सिक्किम में भूमकर सहित बाकी सब जगह जो है वो जमीन के ऊपर चबूतरे बना रखे हैं उसके ऊपर सुनते हैं, लेकिन वो चबूतरे भी पर्याप्त नहीं, नतीजे भी ये होता है कि बंदी लोग हैं वो जमीन पे और कभी कभी चबूतरों के पहाड़ में जो सिक्योरिटी के रूल्स के खिलाफ है। ओवर क्राउडिंग, इसके अलावा ओवर क्राउडिंग का एक और भी है, आपने से जिन लोगों ने जेल में अच्छे से काम किया होगा उन्होंने देखा होगा कि जेल कर्मी में ओवर क्राउडिंग को बहाना बनाते हैं, इसकी वजह से हम कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली समस्या जो है वो एक है, इसके बाद दूसरी समस्या आती है इन्फ्लुएंशियल डिटरमिनेंस, जो लोग प्रभावशाली है राजनीतिक दृष्टि आर्थिक दृष्टि सामाजिक दृष्टि प्रभावशाली है और जेलों में बंद है वही लोग मोबाइल अंदर ले जाते हैं, उन्हीं की सेवा के लिए दूसरे बंदियों को लगाया जाता है, उनका खाना पकाने के लिए भी दूसरे बंदियों को लगाया जाता है, तो पॉलिटिकल डिटरमिनेंस। और ये उदाहरण तो आपको याद होंगे
ये पत्ता जो है किसी को बिहार में भेजा जा रहा है या बॉम्बे से जो है उसको पूना भेजा जा रहा है या मेरठ भेजा जा रहा है, ये बंदी ट्रांसफर की जा रही है इसलिए जो इन्फ्लेशन बंदी है वो वहां पर नाजायज है। जेलों के अंदर नारकोटिक्स शराबी और दूसरे जो ड्रग पदार्थ है दूसरे नशीले पदार्थ जो है वो पैसे आते ही पता नहीं, लेकिन हर जेल में कोई भी जेल अधिकारी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वहां उनके यहाँ नारकोटिक्स नहीं है। कुछ सेंट्रल जेल्स में उन जेलों का नाम ले लेना चाहूंगा कि जो प्रोफेशनल अपराधी है वो इस बात की धमकी देते हैं कि मैं एचआईवी अफेक्टेड और मैं तुम्हारा सुई भोगूंगा, यानी इस चीज को लेकर के वो अपना प्रभाव बढ़ाते हैं या दूसरी तरह की विद्यार्थी जो जेल की तरफ प्राप्त करते हैं। ये दो तीन सेंट्रल जेल के बारे में इस तरीके की सूचना है। होमोसेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम जेल्स में बहुत पुरानी है, इंडियन जेल्स कमेटी 1919-1920 में इस चीज का वर्णन बहुत ही स्पष्ट ढंग से किया है कि जेल के अंदर होमोसेक्सुअलिटी होती है और इसी कारण से बहुत से जेलों में कंडोम्स जो है वो फ्री सप्लाई होते हैं। एक और पुरानी समस्या जेलों के अंदर है उसको कॉन्विक्ट ऑफिसर सिस्टम बोलते हैं। कॉन्विक्ट ऑफिसर सिस्टम बोलते हैं, आपको पता होगा कि पूरे देश के अंदर सेक्शन स्ट्रिक्ट जेल कर्मियों की वो 70,000 के ऊपर है, लेकिन जो इनपोजिशन हो गए वो केवल 55,000 है और जेल के अंदर व्यवस्था का अच्छा विस्तार नहीं हो पाया। इसलिए या और दूसरे कारण हो सकते हैं, जेल अधिकारी जो है बंदियों में से लोगों को पीला साफा और पीली चोटी के नाम से उनको लगा देते हैं और वो किन ग्रेड है उसके बताने दीजिए डिटेल में। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये पीला साफा वाली व्यवस्था और अभी भी मैं बार बार जेल अधिकारी चेक करता रहा हूँ कि ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है नहीं, लेकिन कोई भी जेल अधिकारी विश्वास से इस बात को नहीं कह पाता कि ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो और ये सीओ है कॉन्विक्ट ऑफिसर, ये मेरे हिसाब से मेरे शोध के अनुभव के हिसाब से एक बहुत बड़ा स्रोत है जो करप्शन और उसी का वजह रखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ है। मैंने पहले आपको बताया कि स्टाफ की कमी है और उसका कारण ये है कि जेल व्यवस्था जो है वो सरकार की प्रायोरिटी पे नहीं है और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि 1921-22 बल्कि 1930 तक जेल जो थी वो केंद्रीय सेक्टर में थी, लेकिन उसके बाद ये स्टेट सेक्टर में चली गई और अब केवल स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और भारत सरकार बड़े मुद्दे में अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमसे कोई मतलब नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी या किसी राज्य की सरकार करेगी। तो इस कारण जो अनुपात होना चाहिए बंदियों में और कर्मियों में वो अनुपात भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए हांगकांग ने ये जो है वो हर 2-2.5 बंदी के ऊपर एक कर्मचारी और भारत के अंदर एक कर्मचारी 7.5 बंदी, ये अनुपात जो है उसको फौरन बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कैसे बढ़ेगी इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो बात कही जा रही थी लीगल एड की, उसमें सबसे पहले तो आपको वहां पर जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे पता है कि जेल भारतवर्ष के अंदर 4 मुख्य स्थान है जहाँ पर की जेल कर्मियों की ट्रेनिंग होती है, लखनऊ, वेलोर, पुणे और चंडीगढ़, लेकिन बहुत सी जगहों पर यह है कि चाहे वो वार्ड हो या असिस्टेंट ट्रेनर हो या ड्यूटी सुप्रिटेंडेंट हो उसको ट्रेनिंग में तब भेजा जाता है। आपको सुनकर बताते होगा जब वहां पर व्यवस्था हो, वरना बगैर ट्रेनिंग के बारे में डिप्टी सेक्रेटरी को काम में लगाया जाता है ना। मेरी नॉलेज के अंदर सिर्फ यही एक डिपार्टमेंट ऐसा विभाग है जहां पर जेल कर्मियों को बगैर ट्रेनिंग की ड्यूटी देती है और ट्रेनिंग उस वक्त होती है जबकि ये बात बन सके। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, खासकर जो यहाँ पर लीगल फ्रेचरिटी बैठी है कि जेल विभागी ऐसा विभाग है देश के अंदर जहां पर टॉप का आदमी या उसके बाद का आदमी है वो जेल विभाग का नहीं होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, पोस्टल डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, रेल डिपार्टमेंट का, पोस्ट डिपार्टमेंट, किसी भी
मेरे हिसाब से जितना मैं देखता हूँ, मैंने देश विदेश दोनों जगह देख रखा है, तो वहां पर ये सिर्फ भारत खुशी हो रही और ये अभी शुरू हुई, पहले नहीं थी, ये अभी शुरू हुई कि आई एस ऑफिसर को IPS ऑफिसर को खून ना खाली DG बना देते हैं, IG बना देते हैं, कभी कभी DIG भी बना देते हैं। मान लें सिर्फ इसी बात, तो ये वहां की समस्याएं हैं। और मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी थी और कल्याण के अनुशासन में जेल व्यवस्था का वर्णन मिलता है और वर्तमान में भी है, इन दोनों में मूल अंतर जो है वो है सुधार कार्यक्रम के कृषक प्रोग्राम्स की। और कृषक प्रोग्राम्स में जैसे कि आपको पता है कि उसमें क्लासिफिकेशन भी है, एजुकेशन भी है, साथ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, साथ में वर्क प्रोग्राम है और वेजेस के साथ महाराष्ट्र के जो मित्र यहाँ बैठे हो बताएंगे कि अरुणा के पुणे के अंदर जो है वो सेमी स्किल्ड वेजेस और स्किल्ड वेजेस बंदियों को दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है। अब ये लीगल एंटिटी पर अंत का बात करना चाहूंगा, जहां पर लीगल एंटिटी फायदे की आप ज्यादा बात करेंगे, खाली दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो ये है कि मैंने शोध कार्यकर्ता केसेस, एक्ट्रेस केसेस नहीं, शोध कार्यकर्ता केसेस से बहुत सी लोगों पर यह देखा है कि बंदियों को उनके उनके दोष को स्वीकार कराया जाए कि आप जेल में चूंकि 6 महीने रह चुके हैं, अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो आप छूट जाएंगे। अब उस बंदी को तो मालूम नहीं है कि उसको स्वीकार करने के बाद उसके ऊपर सिद्धि दोष का या कानविक का ठप्पा लग गया, उसको सरकारी नौकरी कभी नहीं मिल सकेगी, तो बात पर कभी इशू नहीं होगा और बहुत सी दूसरी इनेबिलिटीज डिसेबिलिटीज उसके साथ आ जाएगी। तो पहले